दोस्तों, क्या आप जानते हैं एनआरसी असम के लोगों के लिए क्या मायने रखता है? जब मुसीबत या आफत आती है तो लोग सब कुछ छोड़कर भागते हैं, लेकिन एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं। जी हाँ, शायद आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, पर फिलहाल असम में स्पेशली बंगाली स्पीकिंग हिंदू और मुस्लिम्स का यही हाल है। इस वीडियो में मैं आपसे आज की एक ऐसी घटना शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को खुद ही ये एहसास हो जाएगा कि लोग एनआरसी से कैसे डरे हुए हैं और एनआरसी उन्हें किस तरह की तकलीफें दे रही है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको सारे ज़रूरी खबर मिलते रहे। दोस्तों, 16 जुलाई को NDTV के पब्लिश हुई न्यूज़ के अनुसार असम मैन रेस्क्यूड ड्यूरिंग फ्लड्स, हैप्पी मोस्ट प्रीशियस एनआरसी पेपर इज सेफ। दोस्तों, ये इंसिडेंट असम राज्य के मोरीगांव ज़िले से है। जैसे कि आप सब जानते हैं, असम के 90% ज़िले अभी फ्लड से लड़ रहे हैं, वही मोरीगांव भी ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के नीचे दबा हुआ है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF के बटालियन रबर बोट्स और ट्यूब्स के मदद से लोगों की मदद करने में लगे थे। तभी बटालियन ने देखा कि एक फैमिली बनाना प्लांट से बने हुए एक नाव लेकर आ रही है। उन्होंने उन लोगों को अपने रेस्क्यू बोट में लिया। उस आदमी ने अपना नाम शमसुल आलम बताया और फिर आगे उसने क्या कहा, प्लीज ध्यान से सुनिए। वी समहाउ सर्वाइव्ड, वी केप्ट फ्लोटिंग ऑन ए बनाना ट्रंक, डोंट हैव एनीथिंग टू ईट फॉर 2 डेज, ग्लैड डेट वी आर अलाइव। दिस फ्लड हैज टेकन अवे माय होम, माय लैंड एंड माय लाइवलीहुड, बट आई एम हैप्पी। आई हैव द मोस्ट प्रीशियस विद मी, माय मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड NRC डॉक्यूमेंट्स। विदाउट देम आई वुड बी स्टेटलेस। शमसुल आलम ने कहा कि भगवान ने हमें बचा लिया, हम इस नाव में लगातार भटक रहे हैं और 2 दिन से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। इस फ्लड ने मुझसे मेरा घर, जमीन सब कुछ छीन लिया, पर अभी भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ, बीवी, बच्चे और NRC के डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट के बगैर मैं घर तो क्या, राज्य का भी नहीं रहूँगा। रेस्क्यू बटालियन फोर्स ने क्या कहा, एक बार आप ये भी सुन ले। वेन वी गो टू रेस्क्यू पीपल, ऑलमोस्ट एवरी वन कैरीज ए बंच ऑफ पेपर्स, their NRC documents. People are ready to leave everything but not their NRC file. Such is the fear villagers have of losing their documents that last week an NDRF rescue team had to send a diver inside a flooded hut in Lahori Ghat to recover a man's NRC papers. NDRF team ने कहा कि जब भी वो लोगों को फ्लड में बचाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर लोग NRC documents carry करते हुए नज़र आते हैं। लोग सब चीज़ छोड़ देते हैं लेकिन NRC documents नहीं। रिसेंटली रेस्क्यू टीम को अपने सोल्जर को एक पानी से डूबा हुआ घर के अंदर भेजना पड़ा केवल NRC पेपर्स निकालने के लिए। असम गवर्नमेंट ने 15 जुलाई को रेड अलर्ट इशू कर दिया। असम के 30 जिलों के 4,157 विलेजेस फ्लड के घेरे में आ चुके हैं। अभी तक असम में फ्लड से 15 लोग मर चुके हैं और 43 लाख लोग इससे बुरी तरह प्रभावित है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ताकि मुझे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ मिले? नहीं दोस्तों, ताकि आप सब लोग जान सके कि NRC का क्या असर हुआ है लोगों पर। लोग फ्लड में मर रहे हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन NRC को भूल नहीं पा रहे। अभी जब गवर्नमेंट को बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तब गवर्नमेंट NRC फाइनल ड्राफ्ट के काम में लगी है जो कि 31 जुलाई में पब्लिश होगी। हाँ, हम सब जानते हैं कि NRC बहुत ज़रूरी है, पर क्या ये किसी की ज़िंदगी से बढ़कर है? और एक ज़रूरी बात, अभी असम में फ्लड से ऑलमोस्ट 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें बहुत से लोगों का डॉक्यूमेंट्स भी इधर से उधर होगा। अब जुलाई के बाद अगर क्लेम करने के टाइम में डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तब फिर से नई प्रॉब्लम सामने आएगी। दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में है असम में रहने वाले लोग। हम बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर प्रकार से लोगों की मदद करें, और साथ ही में आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये ना भूले कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इसको मानते हुए आप लोग सबकी मदद करें। मुसीबत किसी के भी ऊपर आ सकती है, इसलिए मिलजुल कर रहने में ही समाज और देश की भलाई है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ।